शामिल है और पीछे से एक अनियंत्रित कार आती है, उनको कुचल के चली जाती है। एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए आपको जयपुर से बताते चले कि थोड़ी देर में भाजपा कोर कमेटी की बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि 12:30 बजे का कार्यक्रम का समय बताया गया था बीजेपी कार्यालय में। ये बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव से पार्टी आज इसमें चर्चा करेगी, तमाम केंद्रीय नेताओं के प्रदेश दौरे कर उसमें मंथन किया जाएगा, पार्टी भावी कार्यक्रमों की रणनीति बनाएगी, 100 दिन का जो प्लान बना है उसको लेकर चर्चा होगी, जनसंपर्क अभियान बीजेपी का चलने वाला है उसको लेकर चर्चा होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की इस पे चर्चा होगी, जनसंपर्क तक किस तरह गारंटियां पहुंच रही हैं, उन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी और कौन कौन से केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा जाए जिससे उनका सीधा प्रभाव चुनावी समीकरण पर पड़े, यह भी चर्चा की जाएगी। तो प्रदेश कार्यालय की ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, क्योंकि 12:30 बजे ही बीजेपी जयपुर बीजेपी कार्यालय में तस्वीरों में आपको दिख भी रहा है। अब आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद हैं, सीपी जोशी साथी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद हैं, आपको सतीश पुनिया और तमाम लोग इस बैठक में नजर आ रहे हैं, साथ ही आपको प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी उस बैठक में मौजूद हैं। तो बैठक बड़ी बैठक ये की जा रही है। जयपुर से जो तस्वीरें पार्टी कार्यालय की निकल के आ रही हैं, मिशन 25 की रणनीति में अब बीजेपी ताबड़तोड़ तरीके से जुट चुकी है। चुनावी बिसात अभी बिछने में थोड़ा वक्त है, लेकिन किन प्यालों को चुनावी बिसात में उतारा जाए बीजेपी का इस पे फुल फोकस है, ताकि 25 की 25 सीटें इस बार फिर से आ पाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इस बार टारगेट दिया है 400 एनडीए पार 370 बीजेपी पार, ये नारे को इस जो टारगेट है उसको पूर्ण किया जा सके, बीजेपी अब इसकी कवायद में जुटी हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, प्रदेश कार्यालय की ये आपको तस्वीरें, कार्यकर्ता में जोश भी हाई है, कार्यकर्ता आप बीजेपी कार्यालय के बाहर से दिख रहे हैं आपको, और उसमें सीपी जोशी से लेकर राजेंद्र राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत और साथ ही प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सब आपको इस तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, यानी कि बड़े दिग्गज नेता राजस्थान के बीजेपी के इस बैठक में मौजूद हैं और तभी जाके रणनीति बन पाएगी। एक तरफ जहां बीजेपी टफ फाइट तो है ही, इस खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, कितनी देर में, 12:30 बजे का समय था, 5 मिनट आगे हो गया, कितनी देर में बैठक शुरू होगी, कौन कौन पहुंच चुका है? देखिए, केंद्रीय मंत्रियों का और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इंतजार हो रहा है, थोड़ी देर में जो अपेक्षित नेता है वो सभी के सभी बीजेपी के कार्यालय पहुंच जाएंगे। इस वक्त डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हैं, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर समेत कई नेता पहुंच गए हैं। जो बाकी के नेता हैं उनके भी जल्द पहुंचने की खबरें हैं। तो बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट और आज की बैठक में रणनीति बनाएगी कि किस तरह से अब लोकसभा का चुनाव जो है ज्यादा दूर नहीं है, और ऐसे में पूरी ताकत झोंक करके और राजस्थान की सभी 25 सीटों पर एक बार फिर से विजय पताका फहराई जाए, और इसी के मद्देनजर रणनीति प्लान की जा रही है। जिस तरह से केंद्र के दिशा निर्देश आ रहे हैं पार्टी आलाकमान के, उसी के मुताबिक यहां पर ताना बाना बुना जा रहा है कि किस तरह से बीजेपी उम्मीदवारों का चयन करे और फिर जो है उनको जिताने के लिए कार्यकर्ता जी जान से जुट जाएं। तो बहुत सोच समझ करके प्लानिंग की जाती है बीजेपी में, और कई स्तर पर चर्चा और राय मशवरे के बाद में टिकट तय होते हैं, लेकिन जैसे टिकट आते हैं पार्टी का कार्यकर्ता आपस में मतभेद मनभेद तमाम चीजें भुला करके और उसे जिताने में जुट जाता है। तो इस बार बीजेपी ने तय किया कि वो कम से कम 370 सीटें जीतेगी और एनडीए का 400 पार का नारा है, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं तक ये मैसेज पहुंचा दिया गया है कि वो मोदी सरकार की जितने भी उपलब्धियां हैं उनको आम जनता के बीच में लेकर के जाएं, जिसमें भगवान राम के मंदिर का निर्माण है, धारा 370 है, जनधन के खाते हैं, मुद्रा योजना है, और भी एक से बढ़कर एक जितनी भी योजनाएं हैं और जिनका प्रचार प्रसार विकसित भारत संकल्प यात्रा में किया जा रहा है, और पीएम मोदी के सपनों का भारत बनाने के लिए 2047 तक
भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने के लिए जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए एक कवायद शुरू की गई है और जनता को ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि पिछले 10 साल में जो कुछ हुआ है वो बहुत कुछ हुआ है, जितना 70 सालों में नहीं हुआ था वो इतना पिछले 10 साल में काम किया गया है। तो ऐसी सूरत में अब जब चुनाव सामने है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया है कि वो इस बार इस चुनाव में देश की जनता को ये समझाए कि ये जो चुनाव होगा वो 2047 के विकसित भारत की नींव डालने का काम करेगा, भारत की इकोनॉमी को और सुदृढ़ करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत करने वाला है, देश के हर आदमी को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और जो कुछ भी संभव होता है और जो भी जरूरी होता है एक देश के विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में जो भी काम किया जा सकता है वो अब शुरू होगा। तो यही चीजें जो है बताने की कोशिश हो रही है। ठीक है बाबूलाल, की जनता जब आपसे पूछे जब अभी फिलहाल डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, बीजेपी की सरकार प्रदेश में, अभी केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, जब इतना माहौल बीजेपी के पक्ष में है तो भी बीजेपी को इतनी मैनेजमेंट करने की जरूरत है? जी बिल्कुल है, क्योंकि बीजेपी के पास में 115 सीटें हैं विधानसभा में, कोई बड़ा ज्यादा मैंडेट नहीं है, क्योंकि 2013 में जब वसुंधरा राजे की सरकार बनी थी तो 163 सीटें जीत करके बीजेपी सत्ता में आई थी, लेकिन 2014 में बहुत बड़ी लहर थी, पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा देश उमड़ पड़ा था, पूरी की पूरी 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 2019 में बीजेपी भले ही जो है 2018 के चुनाव में सत्ता से राजस्थान की से बाहर हो गई थी, लेकिन फिर से पार्टी ने 25 सीटें जीती थी, लेकिन 10 साल हो गए तो बीजेपी को लगता है कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एंटी इनकमेंसी घर ना कर जाए, इसलिए हर वर्ग को साधने के लिए अलग से रणनीति। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे और एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हुए आपको दौसा से ये बताते चलें कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएम का बड़ा कार्यक्रम प्रस्तावित है। सीएम का पूर्वी राजस्थान के लिए बड़ा कार्यक्रम की खबर आपको बता रहे हैं। सड़क मार्ग से राजस्थान के 10 जिलों में जाएंगे, घर घर दस्तक देकर ईआरसीपी की जानकारी देंगे। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्री किरोड़ी लाल सहित भाजपा संगठन के लोग भी साथ में मौजूद रहेंगे। 24 और 25 फरवरी को ये संभावित कार्यक्रम तय किया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घर घर दस्तक देकर ईआरसीपी की जानकारी देंगे, पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों पर सीधा प्रभाव डालेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और इस बीच अजमेर से भी बड़ी खबर आ रही है, जो आपको बता दें कि अजमेर न्यायालय में कार्य बहिष्कार जारी है। क्यों ये कार्य बहिष्कार किया गया ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लक्ष्मणगढ़ बार के विरोध में कार्य बहिष्कार किया गया। दरअसल पेन डाउन हड़ताल के दौरान अधिवक्ता बंद फैमिली कोर्ट के बाहर परिवादी के साथ मारपीट हुई थी, जिसके बाद बंद किया गया अधिवक्ताओं के द्वारा कोर्ट, और वकीलों ने परिवादी पर अपशब्द कहने का आरोप लगाया। अधिवक्ताओं ने परिवादी को कोर्ट परिसर से बाहर निकाला। 29 फरवरी तक कार्य बहिष्कार रहेगा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लक्ष्मणगढ़ बार के विरोध में यह कार्य बहिष्कार किया गया है। दरअसल अपशब्द कहे गए थे पेनडाउन हड़ताल के दौरान, अधिवक्ता बंद करने के लिए निकले, फैमिली कोर्ट के बाहर परिवादी के साथ मारपीट हुई थी, अपशब्दों का प्रयोग किया गया था और इससे वकील ने परिवादी पर अपशब्द कहने का आरोप लगाया था, और जिससे अधिवक्ताओं ने परिवादी को कोर्ट परिसर से बाहर निकाल दिया और इसको लेकर ही अधिवक्ताओं ने अब कार्य बहिष्कार किया है। 29 फरवरी तक कार्य होगा बहिष्कार। इस खबर पर हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, अजमेर न्यायालय में कार्य बहिष्कार अभी तक जारी है? जी लक्ष्मणगढ़ कोर्ट जो है उसमें जो मामला चल रहा था, हाईकोर्ट की ओर से नोटिस दिया गया था, जिसके बाद अजमेर न्यायालय में भी जो है पेनडाउन हड़ताल की गई थी और आज इसी को लेकर जो है धरना प्रदर्शन करने के साथ साथ अलग अलग जो कोर्ट हैं उनको बंद कराने का सिलसिला अधिवक्ताओं की ओर से अजमेर जिला बार एसोसिएशन की ओर से किया जा रहा था। इसी दौरान फैमिली कोर्ट में एक परिवादी के द्वारा जो है वकीलों को अपशब्द किए गए कहे गए, इसे लेकर जो है तमाम जो अधिवक्ता है वो नाराज हो गए और इसी नाराजगी को देखते हुए
विरोध इतना हुआ, हंगामा इतना हुआ कि कुछ जो अधिवक्ता हैं वो ज्यादा ही गहमा गहमी हो गई और उन्होंने एक परिवादी के साथ यहाँ पर मारपीट भी की गई है। फिलहाल इस मामले को लेकर सभी अधिवक्ताओं ने शांति व्यवस्था बनाने की अपील की और जो उनका जो मुख्य मांग है जो हाईकोर्ट की ओर से जो नोटिस दिया गया था लक्ष्मणगढ़ कोर्ट को, उससे लेकर जो है उनका कार्रवाई की मांग की जा रही है। लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और उनका कहना है कि 29 फरवरी तक यह जो पेंडाउन हड़ताल है वो जारी रहेगी और उसके बाद जो अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है, उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं होती है, तो लगातार जो है ये जो है विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जयपुर कूच तक जो है मार्च महीने में करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए। तो अजमेर न्यायालय में कार्य बहिष्कार क्यों किया गया है? परिवाद विवादी से हो गई थी झगड़ा, अपशब्द कहने का आरोप अधिवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, उसके बाद कोर्ट से बाहर भी निकाल दिया गया था और इस एवज में ही अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार 29 फरवरी तक कर रखा है। और एक और खबर, आप उनकी पार्टी जो है वो शिखर से शून्य की तरफ जा रही है और अब शून्य से रसातल की तरफ जाने की तरफ आगे बढ़ रही है। जहां पर आज बड़ी बैठक होने जा रही है लोकसभा की दृष्टि से, बीजेपी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें, जयपुर से सीधे तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक करके बड़े नेता अब मीटिंग में आना शुरू हो चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चलें कि भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में ऑपरेशन अरावली के तहत बयाना थाना इलाके में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कार्रवाई में विजिलेंस टीम ने थाना इलाके में 30 अवैध खनन के ट्रैक्टरों को जब्त किया है और वहीं 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से अवैध खनन करके पत्थर लाने के बारे में पूछताछ जारी है। स्थानीय थाने की भी भूमिका की जांच की जा रही है। ऑपरेशन अरावली के बाद खनन माफिया में हड़कंप मचा है। और अगली खबर कोटा से है, जहां पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की आरोपी महिला और उसकी तलाश लगातार पुलिस के द्वारा 5 दिनों से की जा रही है, लेकिन अब इसमें एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जो कि एमपी से सटे इलाके में बताई जा रही है। पुलिस तलाश कर रही है। कोटा रेलवे स्टेशन से भागते हुए महिला ठग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि महिला तेजी से भाग रही है। हालांकि 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने की आरोपी महिला का आज चौथे दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया। महिला आरोपी ने कंपनी के कर्मचारियों के साथ 4 करोड़ की ऑनलाइन धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी महिला को हथकड़ी लगाकर पंजाब के फरीदाबाद से महाराष्ट्र के पुणे ले जाया जा रहा था और इस दौरान कोटा में महिला पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गई थी। फिलहाल पुलिस महिला की तलाश कर रही है। और कोचिंग नगरी कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड और लापता होने के डरावने आंकड़ों के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने कोचिंग इलाके में पुलिस हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। कोचिंग इलाके में न केवल नाकाबंदी की जाएगी बल्कि लगातार गश्त के साथ हेल्प डेस्क पर 24 घंटे पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। वहीं कोचिंग इलाके में अस्थायी पुलिस चौकियां भी जल्द स्थापित की जानी है। सबसे ज्यादा सघन उसमें संख्या में अपने कोचिंग छात्र रहते हैं, वहां पर हम एक हेल्प डेस्क, पुलिस डेस्क हम खोलेंगे और वहां पर पूरे टाइम जो अपना जाप्ता है पुलिस का मौजूद रहेगा ताकि बच्चों को अगर कोई भी दिक्कत है वहां पर पहुंच के और उधर ही उसी जगह पर उनका निस्तारण किया जा सके, जो फॉर्मेलिटी है वो उधर ही हो सके। और अब बात माउंट आबू की, जहां पर बस सर्विस पूरी तरह से बदहाल हो गई है। दरअसल पहले यहां से अहमदाबाद के लिए डायरेक्ट वॉल्वो बस मिलती थी, लेकिन पिछले 2 साल से ये सर्विस बंद हो चुकी है। तब से यहां आने वाले सैलानी परेशान हैं। वहीं माउंट आबू में प्रतिदिन आने वाले सरकारी कर्मचारी, बैंक कर्मी भी परेशान हैं। इसी कारण से जब माउंट आबू आते हैं तो उन्हें दुगुना और तिगुना किराया टैक्सी चालकों को देना पड़ता है। इसकी मांग पिछली सरकार में भी उठाई जाती रही है, लेकिन कोई ने सुनने की जहमत तक नहीं उठाई। अधिकारी लगातार इस मामले में टाल मटोल करते आ रहे हैं। मामला संज्ञान में अब फिलहाल ले लिया गया है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। मात्रा में यहाँ लोग सुबह आते हैं
अपने टाइम में और शाम को वापस प्रस्थान करते हैं, लेकिन उस थोड़ा टाइम में जो है कोई भी बस अवेलेबल नहीं है। कोरोना के टाइम में एक आबू दर्शन करके बस चलती थी, वो भी बहुत अच्छी बस थी और पर्यटकों के लिए तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन वो तो बिल्कुल लुप्त हो गई। उसका बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जो वहाँ पर, जो पर्यटक कई बार पूछते हैं तो उसका बिल्कुल अच्छा वहाँ जवाब देने वाला भी नहीं है, जो बुकिंग है वहाँ भी कोई जवाब देने वाला प्रॉपर कि भाई ये बात है या कब चालू होगी क्या, आगे कोई प्रॉपर नहीं है। और कांग्रेस की भारत